फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और अच्छे अच्छे किचन के प्रोडक्ट्स। वैसे हम आपको अभी रिसेंटली काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखा चुके हैं, जैसे कि रेगुलर यूज होने वाली चीजें आपके किचन में आपके घर के लिए। तो आज हम ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जो कि डेली यूज होंगी, मतलब रोज एवरीडे में आपके जो काम आती है ना, जैसे कि चॉपिंग बोर्ड हो गया, चॉपर हो गया, उसके अलावा बहुत रेगुलर चीजें हैं जो कि आपको यूज करना ही है एवरीडे में। वैसे आपके पास वो चीजें होंगी आई एम श्योर, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ और अच्छी चीजें दिखा रहे हैं। मतलब एक ही चीज आपको बहुत वेराइटीज में मिल जाती है, तो मेरी तो कोशिश ये रहती है कि हम आपको अफोर्डेबल रेंज में कुछ प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिखा सके। तो आज भी हम आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा एंड पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाए हैं। एक चीज और मेरे को पूछनी थी आप लोगों से कि क्या आप अमेजोन के प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, किचन के प्रोडक्ट्स? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ऑर्डर करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ आप देखना चाहते हो, तो हम आपके लिए बहुत जल्दी एक अमेजोन का भी अमेजोन से भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पिक करके आपके लिए एक वीडियो शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो बताइएगा आप मेरे को। आज के वीडियो को शुरू करते हैं, देखिएगा वीडियो, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए। बहुत जल्दी हम होम डेकोर के प्रोडक्ट्स भी शेयर करेंगे, क्योंकि मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बोल रहे हैं कि शेयर करिए, लेकिन हम अभी जो हमने मीशो के किचन प्रोडक्ट्स जो ऑर्डर कर दिए हैं वो आए हुए हैं मेरे पास, तो वो हम आपके साथ पहले शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रोडक्ट है मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट, जो कि हम किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रोज़ दो बार, एक दो बार तो यूज़ होता ही है। ये है एक चॉपर जो कि स्टेनलेस स्टील में है, मतलब आपने अभी तक प्लास्टिक वाला यूज़ किया होगा, हो सकता है कई लोग स्टील यूज़ कर रहे हों, लेकिन ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी में स्टेनलेस स्टील मेरे को मिल गया मीशो में, तो हमने जल्दी से ऑर्डर कर दिया। इस चॉपर का कॉस्ट है 545 रुपीज़। चलिए यूज़ करके देखते हैं कि कैसा है। वैसे क्वालिटी वाइज बताएं तो स्टेनलेस स्टील है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, एंड एक अच्छी बात इसकी ये है कि इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा लिड भी मिलेगी। तो फिलहाल हम इसमें चॉप कर रहे हैं ऑमलेट के लिए, क्योंकि मेरे को ऑमलेट बनाना था, तो हमने सोचा सब चीज़ इसमें डाल के चॉप करके देखते हैं। तो हमने इसमें अंडा भी डाल दिया, मतलब इसमें आप सब कुछ एक साथ डाल के और एक साथ आप चॉप कर दोगे तो फिर आपका अच्छा सा जो बैटर होता है ऑमलेट का वो बन जाएगा। तो हमने कुछ ऐसे ही किया और बहुत अच्छे से बन गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। अगर आप चाहें तो आप लिड निकाल के, जो चॉपिंग वाला लिड निकाल के आप नॉर्मल लिड लगा के रख सकते हो, अगर आप थोड़ी देर बाद बनाना चाहते हो तो A1 प्रोडक्ट है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो आप। नेक्स्ट प्रोडक्ट एक मल्टी यूज़ प्रोडक्ट है, जिसको आप अपने घर में बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमने भी काफ़ी तरह से यूज़ कर लिया है इसको। इस प्रोडक्ट की प्राइस ओनली 255 रुपीज़ है, और पूरा पैसा वसूल प्रोडक्ट है ये, क्योंकि आप इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं आपके रेफ्रिजरेटर के लिए सब्जियां रख के। इसमें सेक्शंस हैं, कुछ 5 सेक्शंस बने हुए हैं इसमें, जिसमें आप काफ़ी सारी सब्जियां रख सकते हैं, उसके अलावा आप फ्रूट्स रख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप अपने फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फ्रिज भी बहुत अच्छा लगेगा और एक ही कंटेनर में आप काफ़ी सारी सब्जियां रख लेंगे। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डेफिनेटली रिकमेंडेड है, इसको और भी तरह से आप यूज़ कर सकते हो, जो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। इस कंटेनर को आप एक और तरह से यूज़ कर सकते हैं, वैसे फ़िलहाल हम इसको इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने सारे क्राफ्टिंग की जो प्रोडक्ट्स होती है, जैसे कलर्स हो गए, ब्रश हो गए, ये सब कुछ हम इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा आप अपने ज्वेलरीज रखना चाहते हो वो भी बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हो, मतलब अलग अलग रहेंगे, कोई मिक्स नहीं होगा, बहुत अच्छे से अरेंज्ड रहेंगे। तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना ही चाहिए ये प्रोडक्ट, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और यूजेज तो हमने आपको बताई दी, बहुत अच्छे से यूज हो सकता है ये।
तो अब हम देखते हैं एक और मल्टी यूज प्रोडक्ट जिसको अगेन आप बहुत तरह से यूज कर सकते हो। ये है कप होल्डर, इसको आप एज अ कप स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। बट अच्छी बात है इसकी कि स्पेस सेविंग भी है क्योंकि ये वॉल में आराम से लग जाएगा। मेटल इसका मटेरियल है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मतलब मेरे को इसको यूज़ करते हुए कम से कम 3-4 साल हो गया और दो तरीके से तो हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करते हैं, एक किचन में और एक भी हम आपको आगे बताएंगे कि कहाँ यूज़ होता है। A1 प्रोडक्ट है ये। इस रैक का कॉस्ट है 325 रुपीज़। और अगला तरीका जैसे हम यूज़ कर रहे हैं ये है डोर के पीछे, इसलिए मेरे डोर के पीछे नेल्स भी लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपने बैग्स हैंग करते हैं, बहुत सारे बैग्स आ जाते हैं इसमें। और इसके अलावा आप कपड़े भी टांग सकते हैं इसमें, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको हैंग करनी है और सामने ना दिखे वो सब चीज़ आप डोर के पीछे हैंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे बैग्स लगा दिए हमने, अभी भी इसमें बहुत जगह है और 2-3 बैग्स इसमें आप आराम से हैंग कर सकते हो। तो मतलब मल्टी यूज़ प्रोडक्ट है जिसको डेफिनेटली यूज़ करना ही चाहिए, आपको स्पेस सेव भी हो जाता है और यूज़फुल भी रहता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट एक बहुत ही क्यूट सा प्रोडक्ट है जो कि आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर यूज़ कर सकते हो आप। ये है पेपर एंड सॉल्ट शेकर और ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा क्यूट है, एकदम पोमोग्रेनेट शेप में है ये, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये जो छोटे छोटे जार हैं इनके नीचे लिड लगी हुई है जिससे आप इनको फिल कर सकते हो, बहुत ही क्यूट सा है। इसका कॉस्ट है 215 रुपीज़, लेकिन ये मेरे को ओनली 189 का मिला है क्योंकि मेरे एक तो ऑनलाइन पेमेंट करने की वजह से एंड दूसरा कुछ कॉइन्स ऐड थे उसकी वजह से 189 रुपीज़ का मिला, एक बहुत ही अच्छा डील है। स्टिल 215 के में भी आप लेते हो तो अच्छी प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली ले सकते हो इसको। देखने में बहुत क्यूट है, जिसको आप अपने डाइनिंग टेबल पर रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, यूज़फुल भी है एंड साथ में आपकी जो डाइनिंग टेबल की जो लुक है उसको भी इन्हांस करेगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रोडक्ट जो कि किचन में आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ये है कटलरी होल्डर जो कि लकड़ी का होता है ना, वुडन, बहुत कॉमन सा है, बहुत बार आपने देखा होगा, लेकिन मेरे को चाहिए था क्योंकि मेरे किचन में कुछ जो वुडन स्पैचुलाज हैं उनको ऑर्गेनाइज करना था इसलिए मंगाया हमने। वैसे तो ये काफ़ी कॉमन प्रोडक्ट है बट स्टिल बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ ये मेरे किचन के लिए क्योंकि मेरे को ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वाइट वाला जो कि स्पैचुला होल्डर नहीं था, स्पून्स वाले थे, हमने उसमें ही लगा के रखा था तो इसलिए हमने उसको चेंज किया और बहुत ही अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। इस प्रोडक्ट का प्राइस है 198 रुपीज़। चलिए अब हम ये इस प्रोडक्ट का भी रिव्यू दे ही देते हैं क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे वीडियो में देख के इस प्रोडक्ट को काफ़ी पूछते हैं। तो ये हमने मीशो से ही लिया था, 155 रुपीज़ इसका कॉस्ट था। ये प्लास्टिक मटेरियल है, काफ़ी अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है इसकी और प्राइस भी 155 ही था एंड स्पैचुला स्पून्स रखे हुए इसमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, कलर आपको 4 मिल जाएंगे इसमें। अब हम आपको दिखाएंगे कुछ जार एंड कंटेनर, मतलब एक दो सेट है जिसमें पहला तो ये है सेट ऑफ 6 कंटेनर्स है इसमें, ये प्लास्टिक मटेरियल में है, सिमिलर टू दिस हम अपनी किचन में यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगती है मेरे को ये वाली, मतलब रीजनेबल भी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है विद एयर टाइट लिड। एंड इस सेट का कॉस्ट है 363 रुपीज़ फॉर 6 जार्स। इसमें आपको 6 जार्स मिलेंगे, वैसे मेरे पास जो है उनके कंटेनर्स पूरे वाइट हैं बट इस ये ट्रांसपेरेंट इसमें आई मीन कंटेनर नहीं लिड, ट्रांसपेरेंट लिड मिलता है,
इसमें, और मेरे पास जो है वो पूरा वाइट कलर का है। इसकी खासियत क्या है पता है, ये देख के ऐसा लगता है कि ग्लास का ही है, ये कंटेनर ग्लास का ही है। और मेरे को लगता है कि अगर आपके पास रेंटेड हाउस आपका है तो फिर आपको डेफिनेटली ऐसे वाले यूज़ करने चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हैंडी प्रोडक्ट है ये। अगर ग्लास यूज़ करते हैं तो उनको हैंडल करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि देख सकते हो आप मेरे कंटेनर्स कहाँ रखे हैं इतने ऊपर। अगर हम ग्लास के ऊपर रखेंगे तो एवरीडे मेरे को निकाल उतारने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और टूट भी सकता है। तो इसलिए मेरे को ये वाले सेट बहुत अच्छे लगते हैं और अब देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्वालिटी भी इसकी डिसेंट है, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, प्राइस के हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट है। इस बॉक्स में भी कंटेनर हैं जो कि जार हैं ग्लास के, और ये टू पीसेस हैं सेट ऑफ टू, एंड इसकी साइज होगी 480 ml। प्राइस है 393 rupees। 393 में आपको दो इस तरह के जार्स मिलते हैं जो कि बोरोसिल ग्लास के साथ है, एंड एयरटाइट लिड लगी है जो कि वुडन लिड है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। ऐसे जार्स में आप जो भी रखें ना अच्छा ही लगता है। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, और ड्राई फ्रूट्स आप डालोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, और लिड इसकी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी टाइट से बंद हो जाती है। आप कुछ भी रखेंगे इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है आपके किचन में डेफिनेटली, क्योंकि कुकिंग के टाइम में हमें ऐसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये है लिड, स्टेनलेस स्टील लिड्स हैं, नेट में हैं, जिसको आप अपने कुकिंग के टाइम में खाने के ऊपर रख सकते हो। जैसे खासकर दूध के लिए हमें इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। इस प्रोडक्ट में आपको 4 pieces मिलेंगे डिफरेंट साइज़ में। इस लिड का कॉस्ट है 196 rupees, जिसमें आपको 4 pieces मिलेंगे। जैसे कि हम कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, सब्ज़ी होती है, दूध होती है, ये सब गर्म होती हैं, तो मतलब अगर आप चाहते हो कि ये ठंडे हो जाएं जल्दी और ऊपर कुछ रखना चाहते हो जैसे कुछ गिर ना जाए, तो ये लिड्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है, स्टील में मिलती है तो फिर अच्छी होगी। डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी रीज़नेबल भी है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी पैकिंग तो कुछ खास अच्छी नहीं थी, ये एक चॉपिंग बोर्ड है, मतलब कुछ भी पैकिंग नहीं था, ऊपर बस एक ही कवर था, तो देखने में ठीक लग रहा है। इस चॉपिंग बोर्ड का कॉस्ट है ओनली 151 rupees, जो कि हम देखना चाहते हैं कि क्या मिलने वाला है मेरे को इस इतने प्राइस में। तो यूज़ करके हम देख रहे हैं ये प्रोडक्ट ओके है, मतलब डिसेंट है, कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो मिलेगी नहीं इतने प्राइस में। और यूज़ करके हमने देख लिया, बस लकड़ी का एक पीस समझ सकते हो आप, लेकिन यूज़ कर सकते हो, मतलब इतना बुरा भी नहीं है। बट प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो उस हिसाब से ठीक है। ये थे आज के प्रोडक्ट्स, आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। एंड चॉपर जो है ना, जो हमने आपको स्टील का चॉपर दिखाया, वो मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, जो कि हम बहुत टाइम से लेना चाहते थे बट मीशो में मेरे को अभी तक मिला नहीं था, मिल गया तो हमने जल्दी से ऑर्डर किया, एंड A1 क्वालिटी आई है। डेफिनेटली ट्राई करिएगा, अगर आप प्लास्टिक के चॉपर्स नहीं यूज़ करना चाहते ना, फिर आप ये चॉपर यूज़ करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस आज के लिए यही था, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye-bye.